हमने कानूनी और संवैधानिक तौर से उनका ऐसा अच्छा इलाज किया कि आज क्या उनके मुंह से एक शब्द सुन पाते हो सिवाय रोने के अलावा। तो भारत के संविधान और कानून में ताकत है। कोई यति नरसिंहानंद भारत के संविधान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। घरों में घुस घुस के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है। मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो ये बोल ना पाएंगे, जैसे इनका मित्र भाई सखा त्यागी जी बोल ना पा रहे हैं आज तक। जड़ और बुनियाद से खत्म करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई मजबूत नहीं करेंगे, इसीलिए ये दोनों भी अंदर से सांठ गांठ किए हुए लोग हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की और इजरायली आर्मी की कोई हैसियत और औकात थोड़ी है ईरान के सामने खड़े रहने की। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने करप्शन के केस छुपाने के लिए अपने पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। आरएसएस द्वारा संचालित, बीजेपी द्वारा संचालित एक टेररिस्ट गैंग है, आतंकवादियों का एक गैंग है जो, और गैंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक जैसी बातें अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों से पूरे देश से करते हैं, बिल्कुल एक जैसी बातें। तो गैंग की जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, ये गैंग के तौर पे काम कर रहे हैं। ये एक आतंकवादी गैंग है जिसकी प्रोटेक्शन, जिसको इंटेलेक्चुअल इनपुट, जिसको इशारा और जिसकी हिफाजत आरएसएस करती है, बीजेपी करती है, इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यति नरसिंहानंद जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो आजकल वो त्यागी बनने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता हूं कभी भी, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, उनका नाम ही मैं नहीं लेता हूं। लेकिन एक कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आए उत्तराखंड से, हमने कानूनी और संवैधानिक तौर से उनका ऐसा अच्छा इलाज किया कि आज क्या उनके मुंह से एक शब्द सुन पाते हो सिवाय रोने के अलावा। तो भारत के संविधान और कानून में ताकत है, लेकिन कमी क्या है, लोगों में उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की जो तरीके हैं उनके, वो ठीक नहीं है। या बहुत सारे लोगों की मंशा ये नहीं होती कि उसको उस चीज़ को रोका जाए, बल्कि अपनी नेम और फेम के लिए काम करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि त्यागी जी की आवाज़ जो है हमने सुप्रीम कोर्ट से बंद कराई है? नहीं पता ना, क्योंकि हम पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम काम के लिए काम करते हैं। तो काम के लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। कोई यति नरसिंहानंद भारत के संविधान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, भारत के कानून के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। और ये डरपोक व्यक्ति हैं सारे। मैं आपको और एक बात बता दूं, ये इस प्रकार की बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर मैं एक सिचुएशन एनविसेज करूं अपने दिमाग में, अंदाज़ा लगाऊं, तो जब इनसे ये कहा गया होगा कि आप इस तरह के बयान दो, तो इन्होंने कहा होगा नहीं जी मैं नहीं देता, गाजियाबाद के जो SHO साहब हैं मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा गलत बात है। तो इन्होंने कहा होगा पहले मेरी बात कराओ गाजियाबाद पुलिस से, पहले मेरी बात कराओ यूपी की STF से, पहले मेरी बात कराओ दिल्ली स्पेशल सेल से, क्योंकि वो भी हर जगह चली जाती है, फिर मेरी बात कराओ NIA से। जब ये सभी अधिकारी, इन सभी संस्थानों के अधिकारी मुझे ये गारंटी दे देंगे कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं ऐसी कोई बेकार की बात बोलूँगा। ये है इसका सबूत। और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है, मैं इनको जानता हूँ, इनके साथी को भी जानता हूँ मैं, इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है जो ये चूं भी कर जाए इस प्रकार की भारत के संविधान और कानून के खिलाफ, जब तक इनको पूरी तरीके से हौसला ना दिया गया हो RSS और BJP के द्वारा। कहा जाता है मुसलमान डरा हुआ है। देखिए, मुसलमानों को उनके खुद के जो सो कॉल्ड लीडर्स बन गए साजिश के तहत, एक मुखबिरों की टीम है। देखिए, हमारे पूरे देश में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर भी घुसी हुई है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी घुसी हुई है, और मुसलमानों के लिए खास तौर पे सिख क्रिश्चियन बौद्ध के अंदर भी घुसा रखी है। ये मुखबिरों की टीम और उनके ऊपर जो लीडरों की टीम है, वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं मुसलमानों को डरपोक बनाने की, शेड्यूल कास्ट को डरपोक बनाने की, शेड्यूल ट्राइब को डरपोक बनाने की, और सिख क्रिश्चियन बौद्धों को भी डरपोक बनाने की। लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। किसानों का आंदोलन इस बात की गवाही है, और CANRC का जो हमारी महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, ये इस बात की गवाही है कि अभी तक मुसलमान जो हैं डरपोक नहीं हुए। सर सुप्रीम कोर्ट भी डरा हुआ है क्या ऐसे बार बार? बाबा जो है यति नरसिम्हानंद जैसे कभी जीप काटने की बात करते हैं, कभी आतंकवादी किसी को बोल देते हैं, तो कभी इस तरीके के बयान दे देते, क्या इनको संरक्षण प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज जो हैं उनके बारे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है,
और मैं अपने मुंह से ही नहीं कह रहा हूँ, ये चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, और बहुत सारे जजेस जो आज भी हैं उनकी कथनी और करनी से नज़र आ जाता है कि वो डरे हुए हैं, दबाव में हैं या किसी लालच में हैं। ये बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, और अगर मैं नहीं कहूँगा तो भारत के संविधान के साथ बहुत बड़ा अन्याय करूँगा, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ऑर्डर पास नहीं करते। तो क्या है कि जस्टिस जो है वो लगना चाहिए हो रहा है, हो या नहीं हो, आज ऐसा हो गया है, जबकि कहावत इसकी उल्टी थी कि जस्टिस इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ लगना भी चाहिए, आज इसका उल्टा हो गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। जस्टिस लगना चाहिए होते हुए, यानी कि टिप्पणियां आनी चाहिए, ऑर्डर नहीं आने चाहिए। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ज़बरदस्त टिप्पणी की है, लेकिन वो टिप्पणी होती है, ऑर्डर नहीं होती। उसके बाद ये भी होता है कि ऑर्डर भी हो जाता है, उसके बाद अमल नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर्स को एक तरीके से श्रेडर में डालने वालों को, मिट्टी में मिला देने वाले को, ऑर्डर्स को अपने कोई एक्शन नहीं लेती। अभी बुलडोज़र का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जिस प्रकार से धज्जियाँ गुजरात और आसाम में उड़ाई गई हैं, यूपी में उड़ाई गई हैं, अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इससे साफ जाहिर होता है कुछ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और दूसरे जजेस भी डरे हुए हैं, लालच में है। ये बात मुस्लिम या मुस्लिम तंजीमें क्या करें, क्योंकि अगर सड़क पर उतरते हैं तो घर बुलडोज हो जाता है, तो ऐसे में उनके लिए क्या रास्ता है कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान देने वालों पर वो कार्रवाई करवा सके? देखिए, अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो गारंटी है कोई बुलडोजर नहीं आएगा, तो बिल्कुल ना उतरें। अगर इस बात की गारंटी है कि वो अपने जो ये फ्रॉडुलेंट नेता हैं उनके बहकावे में आके जो सिर्फ बातें बातें करते हैं, कई कई तो उनमें से ऐसे भी है ना जो वही जजेस की तरह बोलेंगे तो सही, आवाज़ बहुत उठाएंगे, लेकिन उस आवाज़ को अमल में लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो गई कि टिप्पणियां तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, क्या बात कही है, ताली, लेकिन अमल ज़ीरो। तो अगर ऐसा लगता है आपको तो इन नेताओं की बातों में आके आप बुजदिल बन जाइए, घरों में दुपक के बैठ जाइए। अभी तो मैं वीडियो देख ही रहा हूँ ना, घरों में घुस घुस के नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है। अभी एक फैमिली को अमेठी में, पूरी फैमिली को क्यों मार दिया? क्योंकि एक महिला को छेड़ा गया एक व्यक्ति द्वारा, उसने शिकायत की, उससे बोला गया हम तुझे मार देंगे, हम मार देंगे सिर्फ मुसलमानों के साथ, ये नहीं हो रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ आज भी मुसलमानों से ज़्यादा हो रहा है। तो सोल्यूशन, सड़कों पे आना पड़ेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब बुलडोज़र कम चलेंगे, तब बुलडोज़र रुकेंगे, और आना पड़ेगा सारे मजलूमों को एक साथ होकर, एससी एसटी और जो मुस्लिम से क्रिश्चियन बहुत और ओबीसी को साथ मिलके आना पड़ेगा। यह है सोल्यूशन। कथनी और करनी में फ़र्क के लिए आरएसएस जाना जाता है, नहीं जाना जाता, धोखाधड़ी के लिए जाना जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आप पहली दर्जनों में बयान आपको दिखा सकता हूं जो इसी प्रकार के थे किसी ना किसी फॉर्म में। अब एक और तरीका होता है, ये हम जैसे लोग जो है ना, जो असली एक्शन करेंगे, जैसे त्यागी का इलाज किया हमने, कानूनी इलाज, उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में एफआईआर कराएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ताकि यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं और जो बिल्कुल सटीक अंदाजा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो, हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दिया, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहोगे, ये वो काम कर रहे हैं, इसके धोखे में नहीं आना है, मतलब बचाने की कोशिश हो, ये पूरी तरीके से बचाने की कोशिश है, बिल्कुल 100% बचाने की कोशिश है। और जो हम लोग काम करेंगे, हम धारा 120 जो थी पहले, जो कॉन्स्पिरेसी की धारा थी, साजिश की धारा थी, उसमें तो ये सब बड़े बड़े नेता नपेंगे ना इसमें, क्योंकि फोन कॉल डिटेल्स जब निकाली जाएंगी, किस किस से यति नरसिंहा जी नंद ने बात की, उससे तो सब पता लग जाएगा ना, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है। तो इसीलिए ये सब लोग इसको बचाने की काम करेंगे। आप भिजवाएंगे जेल में, तो कहना मान रहे हैं, तो बिल्डोजर को चलाया है ना नरसिंहा जी, आप अपनी तंजीमों का तो कहना मान रहे हैं, रहनुमा जो है उनकी बात तो फॉलो करिए, आप उनके तो खिलाफ रहते हैं, तो बिल्डोजर तो चलेगा ही। मैं तो उनके फॉलो मैंने किया, 4 साल तक फॉलो किया, उन्होंने हर बार मुझे धोखा दिया। किसने? जो तंजीमों की बात कर रहे हो आप, तंजीमों के लीडरों ने, तंजीमों ने नहीं, जिनको मैं चोर कहता हूँ, वही आज
भी वही कहलवाना है तो कहलवा लो, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं है, अब सबको पता लग चुका है। मदनी जी को कहते हैं। हाँ तो वो अब सबको पता लग गया ना, अब तो सब कह रहे हैं, पहले मैं ही कह रहा था, खैर वो इशू नहीं है। तो मैंने उनको बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, मैंने उनकी बहुत दिन तक बात मानी, जब मुझे 100% से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि ये RSS और BJP के एजेंट ही हैं और ये वही काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करती है, तब मैंने उनको एक्सपोज करना शुरू किया है। आज भी वही बात है, अगर इन लीडरों की बात मानोगे आप धोखा खाओगे। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शंस भी बता रहा हूँ, सेक्शन 111 BNS और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। और अगर मेरे पास, जो आपने मुझसे पूछा ना आप भिजवाओगे जेल, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो ये बोल ना पाएंगे, जैसे इनका मित्र भाई सखा त्यागी जी बोल ना पा रहे हैं आज तक एक भी। सर मुसलमानों में बहुत निराशा है, इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी जो काम किया था, उसके बाद रामगिरी जो महाराष्ट्र में है और अभी नरसिंहानंद, लेकिन हंगामा होता है, गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कड़ी में उबाल की तरह, यही तो हमारे नेताओं की खराबी है, एक इशू है उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उससे अपनी TRP गैदर करेंगे, पब्लिसिटी हासिल करेंगे, नेता बनेंगे, ये दिखाएंगे देखो मैंने बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसको जड़ और बुनियाद से ख़त्म करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई मजबूत नहीं करेंगे। इसीलिए ये दोनों भी अंदर से सांठ गांठ किए हुए लोग हैं। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल से ही हर एक व्यक्ति से सवाल करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा, पूछे मुझसे, पूछे जैसे आपने पूछा, आपने क्या किया, मैंने बताया ना मैंने त्यागी की ज़बान बंद कराई, एक ही केस मेरे पास आया था उसी में मैंने इलाज कर दिया। अगर कोई आ गया मेरे पास ये यतिनंद जी का केस, तो ये उम्र कैद के लिए जाएंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। भारत में और फिलिस्तीन में एक हमारा बहुत लंबा, ईरान में और भारत में, इराक में और भारत में, हमारा एक बहुत लंबा सैकड़ों सालों का रिश्ता है। तो अगर वहाँ के लोगों को कोई तकलीफ़ है, वहाँ पे एक गुंडा एलिमेंट इसराइल ज़ायनिस्ट ताकत की तरीके से बैठ गया है, एक गुंडा बेईमान आदमी बेंजामिन नेतन्याहू साहब बैठ गए, बेंजामिन नेतन्याहू जी बैठ गए हैं, जो कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने ही लोगों को मरवाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब उन्हें अच्छे से पता है कि अमेरिका अगर एक सेंटीमीटर भी पीछे हट जाए तो सारे के सारे जो इसराइली नागरिक हैं, उनमें से बेगुनाह भी बहुत हैं, वो सब के सब खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की और इसराइली आर्मी की कोई हैसियत और औकात थोड़ी है ईरान के सामने खड़े रहने की। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने करप्शन के केस छुपाने के लिए अपने पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, ये कैरेक्टर है जिन लोगों का, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए प्रोटेस्ट इन मजलूमों के लिए जो फिलिस्तीन में है, बहुत ज़्यादा बहुत मजबूती से होने चाहिए, और घर घर से आज़ादी की, घर घर से इंसाफ की। हिजबुल्ला जो है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, हिजबुल्ला एक जो मेंबर ऑफ UN है, लेबनान की रूलिंग कोएलिशन का एक हिस्सा है हिजबुल्ला, वो UN के मेंबर हैं, तो वो एक रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ UN है, कंट्री है, वो अभी इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं आगे रह के, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अपने लोगों की कुर्बानी देने को तैयार हो रहा है, तो वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उनके लिए। सर उसके लिए सरकार है ना, देखिए ये इंटरनेशनल मामला तो सरकार देखेगी, सरकार ने देखिए, हालांकि अडानी की वजह से, मिस्टर अडानी जी की वजह से जो बेंजामिन नेतन्याहू से उनके ताल्लुकात हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जी से, उसकी वजह से मोदी जी ने भी अपनी भारत की पॉलिसी कुछ खराब की है, लेकिन फिर भी अभी ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, ये आपको इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, जो लोग वहाँ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं वो अपने देश के मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं करते, जो मजलूम है, गरीब है बेचारे, उनके लिए तो कुछ नहीं करते। चलिए अपने 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 लिए देश में जाएंगे न्याय दिलाने, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिनके पास वीजा नहीं, टिकट के लिए पैसे नहीं, वो विदेश जा रहे हैं न्याय दिलाने से। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे,
अपनों के लिए शर्म नहीं आई, कम से कम बाहर वालों के लिए शर्म आ रही है, शर्म आनी शुरू हो जाएगी तो अपनों के लिए भी करेंगे। फिर सबसे पहले तो अभी अमेठी के परिवार के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसको अभी मार दिया गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।